Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shirak Skincare. Guys, चेहरे की brightness को बढ़ाने के लिए अगर आप घर पे ही क्रीम तैयार करना चाहती हैं तो चावल आपके बड़े काम आ सकते हैं। जी हाँ, दुनिया भर के लोग चावल को एक ब्यूटी प्रोडक्ट मानकर उसे चेहरे पर लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं चावल आपके चेहरे का ग्लो कैसे बढ़ा सकता है। स्किन को ब्राइटनेस बनाने के लिए लड़कियाँ कई तरह के महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हैं, फेस वॉश, क्रीम, मगर आप क्या जानते हैं कि चावलों से होममेड क्रीम बनाकर हम अपने चेहरे का ग्लो वापस ला सकते हैं, जिससे हमारी स्किन के डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, कालापन अगर हो गया है चेहरे पे, तो उसको बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर आप कोरियन स्किन चाहते हैं, कोरियन स्किन के लिए भी चावलों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना होगा मेरा एक छोटा सा काम। वीडियो के नीचे है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इस क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए कच्चे चावल, 3 से 4 चम्मच कच्चे चावल लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के ओवरनाइट के लिए रख दें। रात भर नहीं भिगो सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 2 घंटे तो चावलों को अच्छे से भिगो के आपको रखना है। फिर इन चावलों को पानी समेत मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमें इनको छान लेना है चावलों को। पानी चाहिए चावलों का। ये जो दरदरे चावल आप देख रहे हो, इसका भी पैक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं स्किन एक्सफोलिएटर, जो स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसको आपको छान लेना है और पानी जो है वो अलग कर लेना है। तो छन्नी की हेल्प से पानी को अलग कर लिया है और ये जो बचा हुआ मटीरियल था उसको मैं एक सेपरेट अलग से कटोरी में डाल के फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी। जब भी आपको कुछ फेस वॉश या एक्सफोलिएटर बनाना होगा तो आप उसको उस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वेट कीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आएगी। तो पानी और जो बचा हुआ मटेरियल था उन दोनों को अलग अलग मैंने कर लिया है। अब आपको चाहिए एक पैन, ये जो राइस वाटर था इसको पैन में डाल देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आपको गरम करना है। इतना गरम करना है जितना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक ना हो जाए, एकदम जेल जैसी शेप में ये ना बन जाए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बिल्कुल जेल जैसा बन गया है और अब गैस मैं बंद कर दूंगी और इसको किसी खाली बाउल में स्टोर कर लूंगी। अब इस क्रीम को बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच मार्केट वाली एलोवेरा जेल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल। आप चाहे तो इसमें फ्यू ड्रॉप्स आलमंड ऑयल की या कोकोनट ऑयल की भी डाल सकते हैं। इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाएगी और इसको किसी खाली कंटेनर में डाल के फ्रिज में आप 5 से 6 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये आपका 3 दिन में ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे तो ये आपका 6 से 7 दिन तक आराम से चल जाएगा। तो ये हमारी राइस क्रीम बन के रेडी है। ये क्रीम एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया भर में नेचुरल ग्लो पाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब इस क्रीम को आपको रात को सोने से पहले डेली यूज़ करना है। आपके चेहरे के सारे डार्क स्पॉट्स, पैचेस सारे रिमूव हो जाएंगे, चेहरे पे एक बहुत ही अच्छा सा ब्राइटनेस आएगी, ग्लो आएगा, क्योंकि राइस स्किन के कोलेजन को बढ़ाता है, जिससे स्किन जो है वो हमारी नेचुरल ग्लो करती है, रिंकल्स ख़त्म होते हैं और ये राइस जो है वो यूवी रेस से भी स्किन की प्रोटेक्शन करते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की DIY राइस क्रीम फॉर ग्लोइंग एंड रिंकल फ्री यंग स्किन के लिए। आई होप आपको मेरी आज की DIY अच्छी लगी होगी। सो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी ऐसे ही अच्छी और इंटरेस्टिंग ईजी सी DIYs देखने के लिए। सो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।